और आपको बता दें इस समय जंतर मंतर पर 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, गुस्सा उनके ऊपर है। सीबीएसई पेपर लीक पर अब इसमें बड़ी अपडेट ये है कि बोले हैं शिक्षा मंत्री, छात्रों की पीड़ा समझते हैं प्रकाश जावड़ेकर, एचआरडी मिनिस्टर हैं, जिनसे पीएम मोदी ने बात की थी और अपना गुस्सा प्रकट किया था, दोषियों को हर हाल में पकड़ेंगे, प्रकाश जावड़ेकर ने बात बोली है। सीबीएसई पेपर लीक पर बोले हैं शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, छात्रों की पीड़ा को वो समझते हैं। प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, दोषियों को एक मिनट, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना चक्र में 16 लाख छात्रों ने जो इम्तिहान दिया उनका पेपर एक कैंसिल होना, ये बहुत दुखद घटना है और उनकी पीड़ा को, उनके पेरेंट्स की पीड़ा को मैं समझता हूं, क्योंकि हम भी तो एक पेरेंट हैं और छात्रों की क्या मानसिकता होती है इसका मैं, क्योंकि मैं उसी माहौल में रहता हूं तो मुझे पूरा ख्याल है। और इसलिए जिन गुनहगारों ने ये लीक का काम किया है उनको बख्शेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्दी, जैसे एसएससी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वैसे इस मामले में भी दोषियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि यही उसका उत्तर है। लेकिन कल रात को अनेक पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को नींद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, और मैंने एक, हमने भी प्रण करते हैं कि शिक्षा की, क्योंकि ये ऐसे नए टेक्नोलॉजी के सहायता से हम कितनी भी चुस्त व्यवस्था करें, सीबीएसई की वैसे ख्याति बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब नीट सीबीएसई करने को कहा तो सीबीएसई ओवरलोडेड थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की व्यवस्था सबसे चुस्त है और उसमें नकल नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है तो उसी को हम ये जिम्मेवारी देते हैं। तो ये सीबीएसई के लौकिक को एक दाग लगा है और इसलिए इसको हम तह तक जाएंगे। सिस्टम भी एसआईटी, ये जो बनाया है पुलिस ने क्राइम ब्रांच, और हमने भी एसआईटी भी बनाया है और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कल से न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बारे में परीक्षा कब होगी, क्या होगी, इसका सीबीएसई निर्णय करेगी। तो शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे जिन्होंने साफ कहा कि बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर जो चिंता बनती है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनती है जो पूरे साल 10वीं और 12वीं के पेपर देने के लिए तैयारी करते हैं और अब जब समय आता है तनाव कम होने का तो आज स्टूडेंट्स को जंतर मंतर पर पहुंचकर धरना देना पड़ रहा है, अपनी आवाज उठानी पड़ रही है क्योंकि पेपर लीक हुआ है।